गाइस यार जिस चीज का डर था वो चीज यहाँ पे हो चुकी है फाइनली। इतना फ्री फायर गेम गाइस यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर गाइस यहाँ पे बैन होने वाला है। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे जो गाइस कैसे बैन हुआ, क्यों बैन हुआ और इसका यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे एक ऑफिशियल आर्टिकल जो है एक बहुत बड़ी गाइस कंपनी ने यहाँ पे जो निकाल दिया, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा और सारी चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अपना फ्री फायर गेम बैन क्यों हुआ, किस कारण और क्यों यहाँ पे जो उन लोगों ने बैन करा दिया फ्री फायर को, कंप्लीट जानकारी आपको जो इस वीडियो में पता चलने वाली है। एंड दोस्तों उसके साथ यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप में से वो बहुत से बंदे जो है गेम के अंदर काफी सारे पैसे लगा रखे, आप जो इंक्यूबेटर खरीदते हो गए, बहुत सारी चीजें खरीदते हो, अभी उसका क्या होगा कि आपको उस पैसे रिटर्न मिलेंगे या फिर आपकी आईडी जो पूरी चली जा चुकी है उसका भी आपको जो सोल्यूशन इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो भाई लोग अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको जो है सारे डाउट एंड सारे प्रॉब्लम जो है मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे जो कवर करके बताने वाला हूँ। ये वीडियो जो काफी सेटिस्फाइंग आपके लिए होने वाली, तो गाइस प्लीज वीडियो को अंत तक देख लेना एंड इस वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब पर जैसे देख रहा हूँ काफी सारे बंदे गए बहुत सारी अफवाह फैला रहे जिसके अंदर फेक न्यूज है, वो आपको डरा रहे धमका रहे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं आपको जो अच्छे से सारे डाउट आपको जो इस वीडियो में जो क्लियर करके बताने वाले, ठीक है। तो चलो गाइस एक एक पॉइंट को यहाँ पे जो वीडियो में रखेंगे और आपको जो सारे डाउट क्लियर कर देंगे कि एक्चुअली अपना फ्री फायर गेम बैन क्यों हुआ और किस कारण की वजह से बैन हुआ, वो जो यहाँ पे मैं आप सब बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्टिंग से लेकर कैसे क्या सब कुछ और कैसे अपना गेम यहाँ पे जो बैन हो चुका। तो देखो लोग सीन ऐसा था कि परसों के दिन जो अपना फ्री फायर गेम यहाँ पे जो है एयरटेल यूजर के लिए चालू नहीं है। तो जैसे आपको पता होगा एयरटेल जो कि काफी ज्यादा एक्टिव कंपनी है, ठीक है, जो कि इंडिया के रूल्स को काफी सख्त यहाँ पे जो फॉलो करती है, ठीक है। तो एयरटेल ने तो क्या किया, पहले अपना जो गाइस नेटवर्क कनेक्शन हुआ गाइस अपने फ्री फायर गेम्स और जितने भी सारे चाइनीज ऐप्स हैं उनके साथ जो यहाँ पे कनेक्शन तोड़ दिया, मतलब जो कनेक्टिविटी इश्यू यहाँ पे बंद कर दिया, इसलिए जो एयरटेल यूजर थे उनके साथ गेम यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो बात है अपने पहले पॉइंट। फिर गाइस अपने को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि अपना जो फ्री फायर गेम है, पहले तो अपना जो एप्पल, ठीक है, जो कि iOS वाले यूजर यानी एप्पल के फोन वाले जो यूजर है दोस्तों, ठीक है, तो वो उनके ऐप स्टोर से तो पहले अपना फ्री फायर गेम यहाँ पे हट चुका, ठीक है। फिर उसके कुछ ठीक 4 से 5 घंटे के बाद जो अपना फ्री फायर गेम है गाइस अपने जो प्ले स्टोर से भी यहाँ पे हट चुका, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे गाइस फेक न्यूज फेक वीडियोस बनने लगी कि अपना गेम बैन हो गया ये वो। तो देखो तब तक तो गेम बैन नहीं था, बट जब मैं वीडियो बना गया उसके ठीक यहाँ पे जो 1 घंटे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, जो कि मैं अभी आपको जो अभी इस वीडियो के अंदर जो कवर करके बताने वाला, ठीक है। तो चलो गाइस अभी मैं आपको जो सारे पॉइंट्स एक एक करके आपके सामने जो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऐप्स यहाँ पे बैन हुए जिसके अंदर जो फ्री फायर गेम का यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैं आपको जो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो गाइस टोटल जो है 53 चाइनीज ऐप्स ऐसे गाइस बैन हुए जिसके अंदर अपना फ्री फायर का भी नाम है। आप लोग टाइटल में देख लो लिखा हुआ है, अगर मैं जो लिस्ट की लास्ट में चला तो देख लो यहाँ पे जो 54 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री गरीना फ्री फायर, ठीक है। तो देख लो यार अपने जो इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो भी एप्स बैन हुए दोस्तों इसके अंदर अपने फ्री फायर का भी नाम है। तो गाइस अभी क्या होगा वो मैं आपको जो बता देता हूँ और जो मैं आर्टिकल की बात कर रहा था वो भी गाइस आपको जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको जो स्क्रीन पर भी आर्टिकल दिखा रहा हूँ वो गाइस अपना जो है द इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी कंपनी, आई थिंक आप से बहुत बंदों को पता भी होगा, ठीक है, उनके द्वारा मैं आपको जो सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है मेरे कोई भी पर्सनल ओपिनियन अभी गाइस कोई भी यहाँ पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे जो टोटल सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जा चुकी है कैसे अपना फ्री फायर यहाँ पे बैन हो गया और कैसे गाइस उसको जो किस कारण की वजह से बैन कर दिया है। और ये जो पैराग्राफ है मतलब ये जो आर्टिकल है दोस्तों आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको जो इस पैराग्राफ को अच्छे से बताता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हालांकि इंग्लिश में आपको जो हिंदी में भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसका पहला लाइन लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिकमेंडेड, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, वहां पे लिखा है रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंडेड मतलब उन लोगों ने सलाह दिए बैन कोई भी नहीं होने वाला, ठीक है, बस उन्होंने सलाह दिए, अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद गाइस लिखा हुआ है 54 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द मोस्ट पॉपुलर गेम गरीना फ्री, उन लोगों ने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है गाइस उन लोगों ने सलाह दी है कि 54 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन और उसके साथ गरीना फ्री फायर को जो है बैन कर दिया जाए, ठीक है। उन लोगों ने सलाह दी, अब तक कोई भी उन लोगों ने बैन यहाँ पे नहीं लगाया दोस्तों, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बोला कि बैन यहाँ पे जो है लगने वाला है, ठीक है। फिर गाइस उसके बाद यहाँ पे बढ़ते गाइस गरीना फ्री फायर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी एंड डेवलपर इज नॉट फ्रॉम चाइना, ठीक है। गरीना जो है गाइस एक सिंगापुर की कंपनी है और जो गरीना फ्री फायर गेम को जो बनाया है वो गाइस खुद सिंगापुर बनाया है, उसमें चाइना का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप लोग खुद समझ लो, उन लोगों ने गाइस पहले तो सलाह दिए और उसके साथ वो ऊपर से बोल भी रहे कि जो फ्री फायर गेम है वो सिंगापुर का गेम है, इसके अंदर चाइना का कोई भी रोल नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है क्लियरली समझ में आता है कि अपना गरीना फ्री फायर गेम यहाँ पे जो बिल्कुल भी बैन नहीं हो, और गाइस देखो जो भी होगा वो डिसीजन होगा गाइस अपने जो है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने की, क्या उनको गेम को अपने बैन करना है या नहीं करना है, ठीक है, जो भी होगा वो देख लेंगे। बट देखो फिलहाल तो गाइस उन लोगों ने बस सलाह दी कि आप लोग जो इस गेम को यहाँ पे बैन कर सकते हो, और उनके साथ यहाँ पे जो उन्होंने एक और ट्विस्ट निकाल दिया कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो सिंगापुर की कंपनी है चाइना की नहीं, तो इसको भी बैन नहीं करा दिया जा सकता, ठीक है। ये कुछ अभी यहाँ पे गड़बड़ी चल रही, जब तक अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी यहाँ पे जो है गाइस ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर ऑफिशियल लिस्ट निकल कर नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो के अंदर भी बोला था कि टिकटॉक वगैरह बैन हुआ वैसा, तब तक आप लोग जो है कोई भी अफवाह पर विश्वास मत करना कि अपना फ्री फायर गेम यहाँ पे बैन हो चुका है, ठीक है। और रही बात कि अपने प्ले स्टोर से क्यों उठा, जैसे कि मैंने बोला कल आपको जो ग्लिच या बग था
और बस तो गाइस यार इसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से अपना कुछ फ्री फायर गेम गाइस प्ले स्टोर गाइस यहां पे जो ऐप स्टोर हट चुका है, आपको जो है कोई भी डरने वाली बात नहीं है दोस्तों गाइस, अपना फ्री फायर गेम यहां पे बैन नहीं होने वाला है। और देखो अगर बैन हो भी जाता है कोई दिक्कत वाला बात नहीं, जो है गरीना फ्री फायर जो गाइस अपनी इंडिया के साथ जो गाइस यहां पे मतलब जो बातचीत करके जो है आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपना जैसे अपना बीजीएम गाइस यहां पे जो उन लोगों ने रिटर्न ला दिया था वैसे अपना जो है फ्री फायर आ जाए, ठीक है। और रही बात दोस्तों आपके आईडी की, आपकी आईडी चली जाएगी नहीं चलेगी, नहीं चली जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, आपके जितनी भी गाइस आप लोग अपनी आईडी के अंदर पैसे लगाए हुए जो भी आपके लेवल का आईडी होगा वो आपको जो सेफली रहेगा, कोई भी आप उसको जो कोई भी छेड़छाड़ टाइप पे नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप आपको जो सारी डिटेल समझ में आ चुकी है और आपके मन का जो बहुत बड़ा डाउट हो गया जो क्लियर हो चुका होगा, और जो भी आर्टिकल है उसके अंदर गाइस और भी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जो कि आप लोग पढ़ सकते हो, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो गाइस आपको जो आज की वीडियो पसंद आ चुकी और अगर आपको जो आज की वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज दोस्तों जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, गलत इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल मत फैलाओ। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फ्री फायर के बैन को रिलेटेड अपडेट्स जो मेरे आपको चैनल पर मिलते रहे। तो गाइस मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।